नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे मैंने पहली बार वोट दिया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको भी आपके घर पर इलेक्शन कमीशन वाले आए और आपका वोट लेकर जाए तो उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, किस तरह से प्रोसेस है। तो मैंने तब कहा था कि मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा इस तरह से आपको कैसे अप्लाई करना है वगैरह। काफ़ी कुछ टाइम बीत गया कि भाई वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा था कि कैसे अप्लाई करना है क्या करना है। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है दिल्ली से कि भाई इस तरह से आपको करना है, और मैंने जो किया था वो ऑफलाइन किया था, मैंने कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं की थी। लेकिन अगले साल चार विधानसभा जो है वो चार स्टेट में जो है वो इलेक्शन आने वाले, तो मैंने सोचा वीडियो बना देना चाहिए काफी, क्योंकि उन डिसेबल पर्सन को भी फायदा मिले कि भाई उनके लिए भी जो वोटिंग है उनका तो हो पाए, घर पे आके वो सब इलेक्शन वाले सब कुछ प्रोसेस करते वो वाला वो भी कर सके घर बैठे। तो इसमें देखिए, मैंने जो प्रोसेस की थी तो मैं ऑफलाइन प्रोसेस की थी, मैंने कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं की थी। तो उसमें क्या होता है कि आपके स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं तो थोड़े टाइम के पहले तो आपको इलेक्शन कार्ड जो होता है उसमें करेक्शन कैसे कराना है, नाम है एज है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई सर, एड्रेस चेंज करना है, पहले कहीं पे रहते थे अब कहीं पे रहते, तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है। तो उसके लिए देखिए, आपके जो नज़दीक में जो भी स्कूल वगैरह होती है तो इसके लिए जो है आपको कैसे अप्लाई करना है क्या कुछ करना है। तो वहाँ पर मेरे विषय में, मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा जो नाम है उसमें प्रॉब्लम थी, SINH, हम SINH लगाते हैं पीछे हाथ नाम के पीछे, और पंजाबी जो तो SINGH लगाते, तो वहाँ पे जी का प्रॉब्लम था। और मुझे जो है वो एड्रेस भी चेंज करना था, पहले हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे अब हम घर पे आ गए अपने, तो उसमें भी चेंज कराना है। तो मैंने जब अप्लाई प्रोसेस की थी तो उसमें मुझे जो है वहाँ पर लास्ट में एक लिखा हुआ आ रहा था कि अगर आप डिसेबल पर्सन है, मतलब गुजराती में फॉर्म आता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई आप डिसेबल पर्सन है तो कृपया यहाँ पर टिक कीजिए, फिर लिखा था आपकी डिसेबिलिटी किस तरह से, तो मैंने ऑर्थोपेडिक कर दिया था, और उन्होंने उसमें कहा था कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो आप इसमें अटैच कर देना। तो ऐसा कुछ अटैच किया था, और जो हमारे स्कूल नज़दीक में जो स्कूल है वो स्टाफ भी अच्छा था, तो उन्होंने भी इसमें मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया कि क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसमें जो है वो उन्होंने सब कुछ प्रोसेस की थी। तो जब सारा कुछ प्रोसेस बन गया, सारा कुछ काम बन गया, तो उसमें देखिए जी था सी में तो वो भी निकल गया, एड्रेस भी ठीक हो गया, और वहाँ पे जब इलेक्शन आने वाला था थोड़े टाइम में तो वो लोग जो है वो वेरिफिकेशन में आए थे मेरे, मतलब इलेक्शन से पहले पहले वो लोग वेरिफिकेशन के लिए आए थे कि भाई आप डिसेबल पर्सन है, दिखाइए आपकी आईडी वगैरह कि भाई आप किस तरह से डिसेबल पर्सन है। वो दो लोग आए थे, एक ऑफिस से स्कूल का स्टाफ था और एक इलेक्शन कमीशन का स्टाफ था। तो उन्होंने पूछा था कि भाई इलेक्शन आने वाला है तो आपको वोटिंग करनी है, मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ पहली बार वोट करना है तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, अगर कोई ऐसी सरकार आती है जो बेरोजगारी भत्ता देती है, पेंशन बढ़ा देती है, हर स्टेट में डिसेबल पर्सन को जो है वो फ्री में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में मुसाफरी की सुविधा देती है, तो हम क्यों नहीं उसको वोट करेंगे, तो हमें भी वोट करना है, हमने भी वोट किया था कुछ चेंज हो जाए तो ऐसा था। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप वोट करेंगे तो उसमें क्या है, मेरी डिसेबिलिटी जो है वो 80 से ज्यादा, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे कहा था कि भाई आपका जो भी चेंजेस करवाना है वो चेंजेस हो गया है, और आपका जो नॉर्मल पर्सन से डिसेबल पर्सन है उसमें भी चेंज हो गया है, आप नॉर्मल पर्सन अब नहीं रहे इलेक्शन कमीशन के डेटा में, तो अभी आपको जो है वो अगले साल, इस साल गुजरात में चुनाव है विधानसभा लोकसभा, मुझे इसमें काफी प्रॉब्लम होता है लोकसभा विधानसभा में, इसमें हम स्टेट के जो चुनाव है ऐसा हम वीडियो में आगे बोलेंगे। तो मेरे स्टेट में चुनाव आने वाले थे, इलेक्शन आने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन आने वाले तो आप वहाँ पर स्कूल पे आएंगे वोटिंग के लिए, फिर EVM में टिक करेंगे कि आपके लिए घर पे आए पूरे के पूरा स्टाफ, 8-10 लोग आएंगे स्टाफ में और वो आपका जो वोट लेकर जाएंगे। मैंने कहा कि भाई मेरी डिसेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ से मैं कार में बैठूँ, कार में वहाँ पे उतरूंगा, या 2-3 लोगों को और साथ में लेना पड़ेगा व्हीलचेयर वगैरह के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम आपका वोट जो है वो घर पे आकर ले जाएंगे, क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है और आपको 2-3 लोगों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, बाकी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है जैसे ब्लाइंड पर्सन होते हैं तो उनके लिए एस्कॉर्ट वगैरह भी वहाँ पर होते हैं, थोड़ी बहुत व्हीलचेयर की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए जो है वो एस्कॉर्ट वगैरह रहते हैं वहाँ पर, ऐसा उन्होंने कहा था कि भाई व्हीलचेयर की फैसिलिटीज़ है, रैंप की फैसिलिटीज़ है, कोई ब्लाइंड पर्सन आए तो उसको जो हम अपने तरीके से वो हाथ पकड़ के ले जाएंगे और उनके समझाएंगे कि इसको वोट करना है तो ये करो, इसको वोट करना है तो ये करो, उनके भी लैंग्वेज वगैरह काफ़ी कुछ आती है। तो आपकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो आपके लिए हम जो है वो घर पे आएंगे आपका चुना आपका वोट लेने के लिए, तो वो इस तरह से उन्होंने प्रोसेस किया था। और मेरा जो है वो इलेक्शन कमीशन के डेटा में भी डिसेबल पर्सन ऐड हो गया नॉर्मल से, फिर नाम में भी चेंज हो गया और एड्रेस में भी चेंज हो गया, तो सारा कुछ इस तरह से प्रोसेस हो गया था। और मेरा जो है वो स्टेट इलेक्शन में भी उन्होंने आकर लिया था वोट, और अब देश का चुनाव आने वाला है लोकसभा का,
तो तब भी वो लोग वापस आएंगे वोट लेने के लिए। और जो घर पे आते हैं उसमें लिए क्या होता है, घर पे आते हैं तो बैलेट पेपर वाला होता है, बैलेट पेपर में लिखा होता है कि भाई आम आदमी पार्टी के ये उम्मीदवार आपके डिस्ट्रिक्ट से है, बीजेपी के ये है, कांग्रेस के ये है, अन्य के ये है, काफी कुछ लिस्ट होता है। तो उसमें आपको बोलते है कि आपको इसमें आपको जो भी अच्छा लगता है तो वहां पर टिक करो, तो उसमें टिक कर देते हैं। और टिक करने के बाद एक बाय पोस्ट आपके से होता है, तो वो इसमें बाय पोस्ट भेजते हैं, तो उसके लिए कवर अप होता है, उसको हमको बोलते हैं कि इसमें आप डाल दो अपना चुनाव जो बैलेट पेपर होता है और उसको आप ही सील कर दो। तो फिर वो सील वाला होता है वो जो मेन ऑफिस में चला जाता है गुजरात की, और जब वोटिंग क्या होता है काउंटिंग होती है तब वो आपका वोट भी उसमें एड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसा कुछ जो प्रोसेस है वो मैंने ऑफलाइन किया था। तो इस तरह से जो है आपको ऑफलाइन प्रोसेस करनी है, मेरे लिए ऑफलाइन प्रोसेस काफ़ी इजी रही थी, इसलिए मैं भी आपको ऑफलाइन प्रोसेस रिकमेंड करूंगा। जब भी आपके स्टेट में इलेक्शन आने वाला हो तब आप स्कूल पे चले जाओ, वहाँ पर जो भी एड्रेस, जो भी फोटो, जो भी नाम वगैरह चेंज करवाना होता है वहाँ पर उसकी प्रोसेस होती है। सैटरडे संडे को वो लोग बैठते ही है वहाँ पर, उसकी नोटिफिकेशन भी आती है, न्यूज़ में भी आता है। तो मेरा भी ये मानना है कि जो आप उनका फॉर्म आता है करेक्शन का, तो उसमें डिसेबल पर्सन वाला सेक्शन लास्ट में होता है, तो आप उससे करो, मेरा यही मानना है। और मेरे दोस्त ने जो है वो दिल्ली वाले दोस्त ने, उन्होंने मुझे कहा है कि आप ऑनलाइन भी उसकी प्रोसेस कर सकते, लेकिन मुझे उस पर इतना ट्रस्ट नहीं है ऑनलाइन वाले में, क्योंकि मैंने वो किया नहीं। तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं कि ऑनलाइन हमें प्रोसेस कैसे करनी है, और उसमें भी प्रोसेस सेम ही होती है, उसका जो फॉर्म होता है वो आपको ऑनलाइन फिल करना होता है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अभी वो हम मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर देखते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहले ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वोटर हेल्पलाइन आपको एंड्रॉइड में भी मिल जाएगी, एप्पल में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो है वो साइन अप करना पड़ेगा, मतलब आपको साइन अप पहले कर लेना है। यहाँ पर मैं पहले प्रोसेस कर लेता हूँ साइन अप की। फिर यहाँ पर आपको तीन डॉट पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर वोटर सर्विस में जाना है, फिर यहाँ पर देखिए करेक्शन ऑफ एंटायर फॉर्म 8 करेक्शन ईपिक रिप्लेसमेंट पीडब्ल्यूडी मेकिंग, ये फॉर्म नंबर 8 है जो हमें यहाँ पर क्लिक करना है सिंपल से। नहीं, लेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर यस कर देना है कि हाँ मेरे पास वोटर है, यस कर देना है। फिर यहाँ पर वोटर आईडी नंबर आपको डालना है, जैसे ही आप अपना वोटर आईडी नंबर डालेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, सिंपल से आपका नाम वगैरह आ जाएगा। अगर आपको कुछ इसमें करेक्शन करवाना है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड आपका नंबर डाल देना है, तो आधार नंबर सिंपल से ऐड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है, फिर आप यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी ऐड कर देना है सिंपल से, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको क्या क्या करना है वो करना है। यहाँ पर देखिए शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस तो वो नहीं है, अगर आप कहीं पे रहते हो राजकोट में रहते हो और आप अहमदाबाद जाने वाले तो उसका है एड्रेस चेंज का। फिर है करेक्शन ऑफ एंटायर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रल रोल, वो नहीं करना है हमें। यहाँ पर सिर्फ रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग अस पर्सन विथ डिसेबिलिटी वहीं करना है, फिर इसके लिए हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर सिंपल से। फिर यहाँ पर आपको जो है अपनी डिसेबिलिटी ऐड कर देनी है, देखिए यहाँ पर लोकोमोटर सिंपल से है, फिर है विजुअल मतलब जो आँख की डिसेबिलिटी है वो है, फिर है डीफ एंड डम का है, फिर अदर मतलब काफ़ी कुछ डिसेबिलिटी है आजकल 21 टाइप की, तो वो जिसकी यहाँ पर दिखती नहीं हो तो वो अदर करेंगे, काफ़ी सारी डिसेबिलिटी है वो अदर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अदर करेंगे तो यहाँ पर लिखना है स्पेसिफाइड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब देखिए आजकल कितनी डिसेबिलिटी है 21 टाइप की डिसेबिलिटी, तो उसमें थैलेसेमिया आ गया, काफ़ी और टाइप की डिसेबिलिटी भी है, इसमें हीमोफीजिया है, काफ़ी डिसेबिलिटी है। तो आपको सिंपल से यहाँ पर लिख देना है कि मेरी डिसेबिलिटी ये है और ये परसेंटेज है मेरे। तो यहाँ पर सिर्फ लोकोमोटिव ही करेंगे क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी लोकोमोटिव है, और यहाँ पर आपका परसेंटेज जो भी आपके परसेंटेज और डिसेबिलिटी के वो कर देने, यहाँ पर 80 पर देंगे। फिर यहाँ पर अपलोड में कर देना है आपको अपना डॉक्यूमेंट, मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर कर देना है, 2 MB से छोटा वाला करना। फिर यहाँ पर सिंपल से आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर यहाँ पर देखना है डिक्लेरेशन में क्या लिखा है, ये आपको पढ़ लेना है एक बार, और यहाँ पर प्लेस कर देना है कहाँ से आपने ये प्रोसेस की है, मतलब जहाँ से भी आपने प्रोसेस की हो, ये आज की तारीख ऊपर आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सिंपल से सबमिट कर देना है, फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएंगे, आपका नाम आ जाएगा, आपका स्टेट आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सिंपल से कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। ये सिर्फ यही प्रोसेस हो रही है कि आप जो है वो ऐसे डिसेबल आपका जो ईपिक आईडी है, आप इलेक्शन का डेटा है उसमें आप ये ऐड करवाना है कि भाई मैं डिसेबल पर्सन हूँ और मेरा जो है वो यहाँ पर एज ए डिसेबल डेटा आप सेव करो, ऐसा ही है इसमें। ये सारे कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद ऑनलाइन में जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया ये एप्लीकेशन के माध्यम से, वो प्रोसेस हो जाने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है आपके नज़दीकी BLO होते हैं, हर स्कूल में एक BLO होते हैं, ऐसा कुछ होता है उनका सिस्टम, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको BLO को नियुक्त किया जाता है। तो वो BLO के पास आपकी एप्लीकेशन जो है वो चली जाती है कि भाई ये डिसेबल पर्सन को नॉर्मल डेटाबेस में से इनका जो है वो
PWD वाले में ट्रांसफर करना है, मतलब उसको चेंज करना है, अपडेट करना है, तो वो वहाँ पे चली जाएगी और आपको अपनी एप्लीकेशन का नंबर भी मिल जाएगा, तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो अपडेट हो गया कि नहीं हो गया। और आपको अगर कोई एक आध महीने जितना टाइम हो गया है तो आप अपने नज़दीकी स्कूल में होते हैं BLO उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको आराम से इसका आंसर देंगे। और रही बात घर पे आके वोट लेकर जाने के बैलेट पेपर वाले, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक फॉर्म आता है 12D, उसका रूल्स 27 उसको देखना पड़ता है। उसमें 12D में क्या होता है कि दो प्रकार के लोग होते हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, कि भाई एक सीनियर सिटीजन जो चल फिर नहीं सकते और एक ऐसे डिसेबल पर्सन जो चल फिर नहीं सकते या तो उनको ज़्यादा दिक्कत है, तो उनके लिए एक फॉर्म 12D आता है, आपको मिल जाएगा, मैं भी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो वो फॉर्म में ऐसा कहते हैं कि अगर कोई डिसेबल पर्सन या तो सीनियर सिटीजन ऐसे है जो चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए आप बैलेट पेपर का इस्तेमाल करो और उनका वोट मतलब उनके घर से लेकर आओ उनका वोट। तो इसके लिए उसका फॉर्म नंबर 12D का प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस उसमें एड नहीं होती, जो आपको मोबाइल पर देखा है वो सिर्फ ऐसा है कि उसमें जो है आप डिसेबल पर्सन, आप ऐसे आपका जो डेटाबेस है इलेक्शन का उसमें आप ऐसे डिसेबल मेंशन हो जाएंगे, लेकिन ये 12D वाली प्रोसेस है वो जब इलेक्शन आता है उसके उस टाइम पे होती है। मेरे यहाँ पे मैंने ऑफलाइन किया था, तो मेरे यहाँ पे गुजरात इलेक्शन था विधानसभा का, तो उसमें प्रोसेस हो गई थी। और इस साल या अगले साल मतलब टोटल 4 विधानसभा के स्टेट के चुनाव है, तो आपको इजी रहेगा इस तरह से कि भाई आप पहले ये प्रोसेस कर दो और आपकी प्रोसेस अंडर प्रोसेस हो जाए तो आप अपने BLO को कांटेक्ट कर लीजिए आपकी नज़दीकी स्कूल में कि मैंने ये प्रोसेस की और मेरी डिसेबिलिटी 80% है या तो 100% है, तो आप मेरे लिए जो 12D फॉर्म आता है कि भाई बैलेट पेपर से इनका चुनाव करवा लो, इनका वोट ले आओ अपने उनके घर जाकर, तो ऐसा प्रोसेस कर दो। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस है और मैंने भी ऑफलाइन प्रोसेस की थी इस तरह से नज़दीकी स्कूल में जाकर, और वो सब आए थे इलेक्शन कमीशन वाले, और ये जो देश का चुनाव आने वाला है अगले साल लोकसभा का उसमें भी वो लोग आएंगे। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस करनी है आपको, तो अगर आपको भी इस तरह से कुछ प्रोसेस करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपके BLO को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो भी डिसेबिलिटी है, अगर ज़्यादा डिसेबिलिटी मिली तरह, तो आप इस तरह से घर बैठे भी वोट दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो से। तो बाय बाय एंड टेक केयर।